जब तक टीआरपी लेंगे तब तक तो रिजल्ट होता रहे दिखता रहेगा, उसके बाद में फिर वैसे ही रहेगा। जैसे कि लास्ट ईयर से मेरे को एयरफॉल हो ही रहा है, और अभी क्या है कि गुड रिजल्ट के लिए मैंने ट्रांसप्लांट के लिए आया हुआ हूँ, जैसे कि आपको देख रहे हैं यहाँ की विस्टी क्लिनिक में। बट अच्छा है, देखते हैं, काफ़ी वीडियोज़ देखी हैं सेलिब्रिटीज़ वगैरह की यहाँ पर, और देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट आता है। ये पहले तो मैं क्वाइट एक्साइटेड था, नर्वस भी था कि क्या होगा क्या नहीं होगा कैसे होगा, पेन रहेगा नहीं रहेगा, बट ऐसा कुछ नहीं था। लगता ही है कि पेन होता है, बट कुछ पेन नहीं होता। मैं हेमंत, अभी मैं अपने सेकंड पीआरपी सेशन में आया हुआ हूँ। अब जो मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था 22 नवंबर को हुआ था, अभी मेरे को टोटल 3 मंथ हो चुके हैं। ट्रांसप्लांट से पहले एक्सपेक्टेशन तो काफ़ी थी कि हाँ क्या रिजल्ट रहेगा क्या नहीं रहेगा, एक्साइटमेंट भी रहती है कि हाँ कुछ बदलाव होगा। होता है ना कि मोरल डाउन होता है वालनेस से, अभी तो ये मेरा जो भी एरिया ट्रांसप्लांट के बाद का एरिया है उससे पहले ये साइट के साथ काफ़ी जा चुके थे, वालनेस काफ़ी आ चुकी थी। आई थिंक 4 या 5 स्टेज होगी मेरी जब मैंने ट्रांसप्लांट कराया। इससे पहले मैंने काफ़ी मेडिसिन ली थी, दो साल तक मैंने मेडिसिन चलाई खुद से किसी डॉक्टर के कंसल्टेंसी से, बट ओवरऑल फाइनल रिजल्ट यही करना पड़ा कि हाँ ट्रांसप्लांट कराना पड़ा, साथ ही मेडिसिन लेनी पड़ी क्यूएसटी क्लिनिक के थ्रू। क्यूएसटी क्लिनिक का जो मेरे को सोर्स मिला था इंस्टाग्राम से मिला था, देखा था कि यहाँ पर सेलिब्रिटीज भी आते हैं, मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल हुआ था यहाँ से कराने का, उसका रीज़न एक ये भी था कि हाँ मैंने देखा था कि सेलिब्रिटीज़ भी यहाँ पर कराते हैं, काफ़ी अच्छा क्लिनिक है और रेटिंग भी अच्छी है, अच्छा है, स्टाफ अच्छा है। अब मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरे को तो काफ़ी कुछ अच्छा लगा था, जैसे कि आप ट्रांसप्लांट के टाइम पर स्टाफ का नेचर बिहेवियर, तो जो भी डाउट है स्टार्टिंग में क्लियर करे और प्रॉपर आंसर भी मिला, सेटिस्फैक्शन आंसर मिले थे। स्टार्टिंग करी थी ट्रांसप्लांट की यहीं से। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर मेरे को 2 चीज़ें बेस्ट लगी थी, एक हाइजीन सिस्टम और दूसरा केयर। मेरा जब तक ट्रांसप्लांट हुआ, स्टार्ट हुआ, एंड हुआ, जब तक के मैं क्लिनिक के गेट तक नहीं पहुँचा, मेरे साथ में कोई ना कोई रहा। ट्रांसप्लांट के टाइम पर जो मेरा ग्राफ्ट लिए गए थे वो टोटल ग्राफ्ट 3300 ग्राफ्ट लिए गए थे, 3300, और जो ग्राफ्ट का एरिया था, डोनर एरिया, वो मेरा बैक साइड था। अभी जैसे कि आप देखें मेरा बैक साइड पूरा हील हो चुका है, और कुछ आप देखेंगे तो कुछ भी आपको ऐसा लगेगा नहीं जो हाँ यहाँ से ग्राफ्ट लिए होंगे। और जो मेरा डाउट था कि हाँ कितना पेनफुल रहेगा अपना ट्रांसप्लांट का और कितना टाइम तक रहेगा, ये ट्रांसप्लांट मेरा 2 दिन तक चला। जैसे कि फर्स्ट डे मेरा 5 घंटे का प्रोसेस रहा था, सेकंड डे जब ट्रांसप्लांट होना था, ग्राफ्ट लगने थे, उसमें टोटल आपका 10 घंटे का प्रोसेस रहा था। सुबह समथिंग 9 बजे से स्टार्ट हुआ था और वो टोटल 10 घंटे चला, आई थिंक 6 बजे तक, 6 या 7 बजे तक। और उसमें उसके बाद जैसे कि पेन की मैं बात करूं तो पेन का तो मेरे को कोई पता ही नहीं चला, ऐसा लगा कि हाँ जैसे कि मेरा कुछ मतलब रिलैक्स था सारा कुछ। स्टाफ से डेली बेस पे बात होती रहती थी, स्वेलिंग का बताया हुआ था मेरा, कुछ 2 से 3 दिन स्वेलिंग रहा, बात करी तो रेस्पॉन्स मिला कि हाँ वो नॉर्मल होती है और रहती है वो नॉर्मल स्वेलिंग ना। पीछे कुछ डोनर एरिया को हील होने में समथिंग 1 महीना लगा, और 10 दिन का एक शैम्पू के झाग से आपको हेड वॉश करना होता है, केयर करनी होती है, साथ ही मेडिसिन प्रॉपर लेनी पड़ती है। मेडिसिन टाइम टू टाइम लेने से कुछ अच्छा रिजल्ट आता है। अब तक का जो मेरा सेकंड पीआरपी में आया हूँ, थर्ड मंथ है, या थर्ड मंथ में जो भी रिजल्ट दिख रहा है आपको, इतना है अब तक के एक्सपीरियंस में मेरा बहुत अच्छा रहा। और मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि बहुत ही अफोर्डेबल है, सर आप आइए कंसल्टेंसी लीजिए, यहाँ से एक बार घूमिए, लगता है आपको कि हाँ ट्रांसप्लांट कराना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग तो क्यूएसटी क्लिनिक है। मैंने इससे पहले काफ़ी सर्च करा, 1 से 2 साल मैंने सर्च करा था प्रॉपर सोशल मीडिया पर कि हाँ कौन सा बेस्ट रहेगा कौन सा नहीं, क्योंकि इसमें मैं जल्दबाजी करना नहीं चाहता था, सिंपल सा कि हाँ अब जब कुछ कराना है तो मेरे को प्रॉपर बेस्ट रिजल्ट मिले, चाहे तो थोड़ा सा ऊपर नीचे मतलब टाइम लग जाए, बट बेस्ट रिजल्ट मिलने के पर्पज़ से मैंने प्रॉपर सर्च करा। सर्च करने के बाद में जो मेरे को अब तक का बेस्ट क्लिनिक लगा फॉर द ट्रांसप्लांट, थैंक यू केएसटी क्लिनिक। एंड मैं जल्दी मिलूंगा आप लोगों से अपने नेक्स्ट सेशन में, थर्ड पीआरपी सेशन। थैंक यू केएसटी क्लिनिक का स्टाफ। Thank you.
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।